अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू बतूल फूड डायरीज। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही डिमांडेड रेसिपी, चॉकलेट चंक कुकीज़ की रेसिपी है। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं आपको सब स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले हम अपने इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए 100 ग्राम्स ऑफ बटर है। अगर आप कप्स में लेंगे तो हाफ कप बटर है, ठीक है, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आया हुआ है, सॉफ्ट एंड बटर है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हमारे पास 1 + 1/4 कप ऑफ मैदा है, यानी कि 1 और 1/4 कप मैदा है। हाफ कप ऑफ शुगर है, यानी कि वाइट शुगर, उसको मैंने सिंपल पीस लिया था, ठीक है। तो हाफ कप हमारे पास पिसी हुई चीनी है, हाफ कप हमारे पास ब्राउन शुगर है, ठीक है, दोनों हाफ हाफ कप है। एक अंडा है सिंपल, और ये हाफ हाफ टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर है, और सॉल्ट है, ठीक है। सॉल्ट ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और 1 कप हमारे पास चॉकलेट चंक्स है, ठीक है। अब आप इसकी जगह देखें, आप चॉकलेट चिप्स भी ले सकते हैं, आप इसकी जगह आप मिल्क चॉकलेट भी ले सकते हैं, आप डार्क चॉकलेट भी ले सकते हैं, वाइट चॉकलेट भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो आप वो लीजिएगा। सिंपल देखिए, हमने बोल के अंदर अपना बटर ऐड कर दिया, ठीक है, 100 ग्राम्स, और ये हमने साथ में हाफ कप ऑफ पिसी हुई चीनी ऐड कर दी, हाफ कप ऑफ ब्राउन शुगर। अब हम इन तीनों को ना अच्छे से हम बीट करेंगे, ठीक है, बस इतनी देर बीट करेंगे कि तीनों एक दूसरे के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए और एक क्रीमी सा मिक्सचर हमारा रेडी हो जाए, ठीक है ना। तो देखें, यहाँ पर हमने इसको अच्छे से बीट कर लिया है। देखें यहाँ पर हमारा कितना अच्छा सा क्रीमी सा टेक्स्चर बन गया। अब हमने इसके अंदर सिंपल एक अंडा डाल दिया। अब हम इसको अच्छे से बीट करेंगे, इतना बीट करेंगे कि बस हमारा अच्छे से मिक्सचर थोड़ा सा और क्रीमी हो जाए। बस आपने ओवर बीटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी, आपने इतना बीट करना है कि बस आपका सब मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो जाए, वहीं पर ही आपने इसकी बीटिंग रोक देनी है, ठीक है। अब देखें, अगर आपके पास बीटर मशीन नहीं है तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा, आप बिल्कुल आप जो विस्क होता है ना हमारे, यानी कि जो सिंपल जो बीटर होता है, हैंड बीटर, आप बिल्कुल उससे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो कोई मसले वाली बात नहीं, आपके पास वुडन स्पून है, स्पैचुला है, फॉर्क है, चम्मच है, या आपके पास जो अवेलेबल है आप उससे कर सकते हैं, इसके अंदर कोई आपको बीटर मशीन की ज़रूरत नहीं है। देखें, सिंपल हमने अपने जितने भी हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे ना, बेकिंग पाउडर, सॉल्ट और मैदा, हमने इन तीनों को अच्छे से छान कर हमने ये भी इसके अंदर ऐड कर दिया। आप प्लीज़ ज़रूर छान के ऐड किया करें, ऐसे कभी भी नहीं ऐड किया करें, तो इससे जो है वो बहुत ही अच्छे से आपका जो भी बेकिंग की चीज़ होती है बहुत ही अच्छी सी बनकर रेडी होती है, ठीक ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर हमने अपना बीटर हटा दिया। अब मैंने सिंपल ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करते साथ ही अब मैंने इसके अंदर चॉकलेट चंक्स ऐड कर दिए अपने। आप बिल्कुल इस स्टेज पर आके आप चॉकलेट चिप्स भी ऐड कर सकते हैं, दोनों आपके पास चॉइस है, मगर चंक्स का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब देखें, सिंपल हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया स्पैचुला से। अब देखें, यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा अपना कुकी का डो बिल्कुल रेडी हो। अब मैं इसको एयर टाइट बॉक्स के अंदर डालकर ना मैं इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर रख दूँगी, ठीक है ना। आप लाजमी रखिएगा, यह स्टेप बहुत ज़रूरी है, आप इस स्टेप को बिल्कुल भी नहीं स्किप कीजिएगा, तो ही आपका जो कुकी डो है ना वो मज़ेदार सा बिल्कुल रेडी होगा और आपके कुकीज़ भी बहुत अच्छे बनेंगे, ठीक है। तो अब देखें, 1 घंटे के लिए मैंने इसको एयर टाइट डब्बे में बंद कर और मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, ठीक है ना। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, आपको बहुत ही अच्छी लगेगी जब आप इसको ट्राई करेंगे ना, इतने मज़ेदार, इतने फ्लेवरफुल बनते हैं। आप जितनी एक्सपेंसिव बेकरी से लेते हैं बिल्कुल वैसा ही इसका टेस्ट आता है, एक्जैक्टली वैसा ही, ठीक है। आप देखें, यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से बॉक्स के अंदर करके ना मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। अब 1 घंटे के बाद मैंने इसको निकाला और देखें, सिंपल मैंने, आप कोई भी अपनी बेकिंग ट्रे ले लीजिएगा, मैंने भी देखें एक सिंपल पतीले का ढक्कन ले लिया था। अब देखें, यहाँ पर हमारा देखें कुकी का डो देखें कितना अच्छा सा रेडी हो गया है, देखें अब बिल्कुल ही अच्छे से हार्ड हो गया है। अब देखें सिंपल आप कोई भी एक चम्मच ले लीजिएगा, घर का आम चम्मच, उससे आपने इसको निकालना है और इस तरीके से बॉल बनाकर आपने इसको रखते जाना है अपने ट्रे के अंदर, ठीक है। बटर पेपर ज़रूर लाइन कीजिएगा। अब सिंपल देखिए, मैंने सारे कुकीज़ इस तरीके से डालकर और एक एक जो चंक था ना वो मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया, तो इससे और इसका मज़ीद अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। आपने अपनी जो ट्रे है ना, अपने बटर पेपर को बिल्कुल भी ग्रीस नहीं करना, आपने इसको एज इट इज ही रखना है, ठीक है। और अब देखें, सिंपल मैंने इसको प्री हीटेड ओवन के अंदर बेक करने के लिए रख दिया था फॉर अबाउट 20 मिनट्स के लिए, 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें, हमारे मज़ेदार से कुकीज़ बन के बिल्कुल रेडी हो गए हैं। इतने मज़ेदार, इतने फ्लेवरफुल बनते हैं, जब आप बनाएंगे तब आपको पता चलेगा कि कितने मज़ेदार बनते हैं, ठीक है। कोई इसके अंदर हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, बिल्कुल सिंपल से इंग्रेडिएंट्स थे, कम इंग्रेडिएंट्स में बेहतरीन सी रेसिपी बनने वाली थी बिल्कुल। तो अब देखिए, मैं इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना वो मैं आपको बिल्कुल एक्जैक्टली मेजरमेंट्स के साथ ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, तो आप वहाँ से ज़रूर चेक कर लीजिएगा अगर आपको कोई भी मुश्किल लगे ना वहाँ से देखने में, ठीक है। तो वहाँ से आप ज़रूर देख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक कुकी का तोड़ के भी दिखा रही हूँ, तो देखिए कितना अच्छा सा, देखें इसका नाइस क्रिस्प आया अंदर से और अंदर से गुई थे मज़ेदार से। तो आप ज़रूर मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।